अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम NFT आर्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करते। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी तो व्यूवर्स, हम आ गए हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। आज हम देखने वाले हैं कि हम NFT आर्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपने जो कैनवा ऐप है उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। इस तरह मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लूँगी। तो ये जो कैनवा ऐप है आप यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि मोबाइल के ऊपर हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं NFT। तो आप सर्च बार में सर्च करेंगे NFT, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे NFT के टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी उठा के आप यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज NFT क्रिएट कर रही हूँ कैनवा प्रो को यूज़ करते हुए। कैनवा प्रो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कैनवा प्रो टीम लिंक वह मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ से हम कोई भी NFT का डिज़ाइन उठा लेते हैं, कोई भी टेम्पलेट हम यहाँ से उठा लेते हैं। मैं ले लेती हूँ ये वाला। इनमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमेशंस वगैरह लगा के हमारी जो NFT है हम उसे क्रिएट। ये टेम्पलेट हमारे सामने ओपन हो गया, हम क्या करते हैं इसे हम एडिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को आपने रिमूव कर देना है। तो मैंने यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आप इसको आप और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आप अपनी जो NFT किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इनोवेशन आप किस तरह ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे रख दें, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो भी चेंज कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह इसके कलर्स जो हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। ये अगर हम इसे कर दें यही वाला, ठीक है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जब आप इन ऑप्शंस को जब आप ऐसे करेंगे आगे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एनिमेशंस एनिमेट, यानी कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ से आप कोई भी इसकी एनिमेशन लगा सकते हैं। ये इस तरह, ये देखिए इस तरह आप कोई भी एनिमेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, तो यहाँ पे इसकी जो एनिमेशन है वो लग गई है। अगर हम इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये जो है पार्ट इसके अंदर भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं इस तरह। ये हमारी जो एनिमेशन है, हमारी जो NFT है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये वाली चीज़ें, ये आप ये ले सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इनका जो कलर्स वगैरह हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी आप इनोवेशंस इसमें डाल सकते हैं। तो एक बहुत सी एक अच्छी NFT आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए। मैं इसको आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। MP4 फॉर्मेट में ये होगी और आप इसको कर सकते हैं PNG में, लेकिन जो इसमें एनिमेशंस हैं वो इसमें फिर शो नहीं होंगी। आपने क्या अगर करना है आप गिफ्ट के तौर पर कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं MP4 में भी इसे डाउनलोड कर लेते हैं। एनिमेशंस डालने से ये होता है कि हमारी जो NFT है बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो एक NFT है आप देख सकते हैं, ये एनिमेशंस लगा के हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। हमारी NFT को हमने क्रिएट कर लिया। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी NFT। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।